दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब है। दुनिया भर में हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे इसकी देखभाल करता है WHO। WHO का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। जहां भी कोई बड़ी बीमारी महामारी आती है तो WHO चर्चा में रहता है। पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ WHO पर रहती है, लेकिन क्या आपको पता है WHO क्या है, कहाँ पर स्थित है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको इस वीडियो में WHO के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। WHO एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करती है। WHO का मेन उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह संगठन UNDP यानी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इस समय WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम हैं। WHO के 196 देश सदस्य हैं तथा 2 संबंधित सदस्य हैं। भारत भी WHO का एक प्रमुख सदस्य देश है। WHO पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। दुनिया की कई बीमारी जैसे हैजा, मलेरिया, चेचक, वायरस आदि बीमारियों को रोकने के लिए WHO अपना योगदान देता है। भारत में WHO का ऑफिस नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब बात करते हैं कि WHO का मेन लक्ष्य क्या है। WHO का लक्ष्य पूरी दुनिया में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना है, स्वास्थ्य संबंधित सरकार की मदद करना, संक्रमित बीमारियों से सुरक्षित रखना, विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना, स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक सूचना विकसित करना, यह सब WHO का मेन उद्देश्य है। उम्मीद करता हूँ अब आपको WHO के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।